कहते हैं यदि उड़ने की चाहत हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। परिवार के लिए आदर्श बहू एक आदर्श माँ और एक आदर्श पत्नी की भूमिका निभाने वाली गीता सोनी ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। गीता सोनी अंतर्राष्ट्रीय मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021 की क्राउन विनर बनी। गीता सोनी यूएई में आयोजित विश्व स्तरीय सौंदर्य प्रतियोगिता हॉट मोड मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021 के सेशन 10 में क्राउन विनर घोषित की गई है। पूरी दुनिया के 100 से अधिक प्रतिभागियों के बीच गीता सोनी ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता की शुरुआत मार्च 2020 में हुई थी। कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच कंपटीशन ऑनलाइन चलता रहा, जिसमें भारतीय रहन सहन, सांस्कृतिक भोजन शैली, देशभक्ति, योगा एवं समाज सेवा से जुड़े टास्क भी मिले थे। गीता सोनी ने सभी बाधाओं को पार किया और दुबई में आयोजित मुख्य प्रतियोगिता में चयनित हुए। इस प्रतियोगिता में भारतीय मूल की महिलाएं जो दुनिया में निवासरत हैं, उनके बीच में से चयन किया जाना था। आदत की वजह से मेरी ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई। मैं पढ़ना तो बहुत कुछ चाह रही थी लेकिन नहीं कर पाई थोड़े से आदत की वजह से। तो वो मेरे अंदर रहा कि मैं कुछ बनूं लेकिन नहीं बन पाई तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लिया था। शादी के बाद भी सोचा कि अब नहीं हो पाएगा कुछ भी, तो मैं मतलब लेकिन वो अंदर जो चिंगारी थी कुछ बनने की वो रखी गई। वो मेरे को मतलब ऐसा लगता था कि सब लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, कोई लड़की इंजीनियर लिखती है। मेरे साथ की भी थी काफी आगे चली गई, तो मतलब ये मन में था कि मेरे नाम के आगे सिर्फ हाउसवाइफ बनकर रह गया है और कुछ नहीं है। तो अब जाकर जब मेरे को ये सब दिखा तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ी। और उस सपने को पूरा करने के लिए जुनून के साथ, आत्मविश्वास के साथ मैं लग गई, क्योंकि मेरा एक मकसद था कि वहां से मुझे क्राउन ही लेकर आना है और क्राउन लेकर ही है। खुद के 3 बच्चे और 2 बच्चों की दादी गीता सोनी के मन में शुरू से ही आगे बढ़ने की चाहत थी। व्यस्ततम पारिवारिक जीवन के बावजूद गीता सोनी ने लक्ष्य साधकर तैयारी शुरू की। गीता सोनी ने प्रतियोगिता के हिसाब से खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। गीता सोनी बताती है कि पूरी प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति से कभी भी समझौता नहीं किया। हालांकि कंपटीशन के दौरान उन्हें हिंदी भाषी होने के कारण खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। और कोरोना को उसको पूरा करना इनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती था, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, कहीं कुछ बना नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, घर के लोगों ने और खासतौर से मिस्टर ने और बच्चों ने जो साथ दिया इनका, उसके कारण आज इस ऊंचाई तक पहुंचे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।